आज हम बनाएंगे बेसन कलाकंद। ये कलाकंद खाने में इतना स्वादिष्ट है कि आप हर बार बेसन का ही कलाकंद खाना पसंद करेंगे, और बनाने में तो बहुत ही आसान है। आप इसे झटपट बना के खा सकते हैं और आप इसे हफ्ते भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और यहाँ मैंने एक कप घी ले लिया है। आप इस मिठाई को घी में ही बनाएं तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा, और अगर आप घी में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी को हम पैन में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। घी को हमें अच्छे से गरम कर लेना है, और यहाँ देख सकते हैं घी बहुत अच्छे से गरम हो गया। इसे हम साइड में रख देंगे, और मैंने गैस पर दूसरा पैन रख दिया है। अब हम इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे और उसी कप से 1/4 कप पानी डाल देंगे। हमें इसकी एक तार की चाशनी बना के तैयार करनी है। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें, और यहाँ देख सकते हैं चाशनी हमारी बन के तैयार हो गई है। और ये देखिए एक तार की चाशनी तैयार हो गई है, चाशनी तैयार है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। मैंने यहाँ एक कप बेसन लिया है, थोड़ा थोड़ा करके बेसन को डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। गैस का फ्लेम आप अभी लो कर दें, और इसे हमें मिलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। इसे आप धीमी आंच पे ही रोस्ट करें, और ये देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म घी डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके आप घी डालें और अच्छी तरीके से मिलाते जाएंगे। जैसे जैसे आप घी डालेंगे वैसे वैसे इसका जो टेक्स्चर है वो बिल्कुल चेंज होता जाएगा, और आपको इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करते रहना है। आप थोड़ी थोड़ी देर में ही देखेंगे कि इसमें काफ़ी चेंजेज नज़र आएगी आपको। आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। अब हम इसमें फिर से घी डाल देंगे और अच्छी तरीके से फिर से मिलाते जाएंगे। और ये देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स होते जा रहा है, और ये देखिए कितना अच्छा ये दानेदार हो गया। मैंने इसमें लगभग 3 से 4 बार घी डाला है और अच्छी तरीके से मिला दिया। अब हम इसमें लास्ट टाइम और घी डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और ये देख सकते हैं कितना अच्छा दानेदार टेक्सचर आ गया है इसका। कलाकंद बनाने के लिए मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। इस मिक्सचर को पूरे बनाने में मुझे 10 मिनट का समय लगा है, और मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और फटाफट से हम इसे सेट करने के प्रोसेस में चलते हैं। सेट करने के लिए मैंने पहले से यहाँ एक बॉक्स ले लिया था, उसमें मैंने पहले से ऑयल लगा दिया है। अब हम इसमें मिक्सचर डालेंगे और फटाफट से इसे सेट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट होने लगता है। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, ऐसे फैला दें। और इसी स्टेज पे इसमें हम कट भी लगा देंगे, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो आप अभी कट लगा दें। इस तरीके से आप एक बार बेसन कलाकंद बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम इसे 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और 30 मिनट हो चुके हैं, और ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बेसन कलाकंद बनके तैयार हो गया। ये देख सकते हैं, आप एक बार इस मिठाई को बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में तो आपने देखा कितना आसान है। तो गाइज, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक नए मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।